नमस्कार दोस्तों, थ्योरी ऑफ मशीन गेट फंडामेंटल लेक्चर 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर 2 एसोलेशन डायग्राम की और टॉपिक हमारा रहेगा टेंजेंशियल एंड रेडियल एसोलेशन के बारे में। तो चलिए हम शुरू बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन ले लेता हूँ, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये जो सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में जो हो रहा है, जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, वहीं पर आपको एक रेडियस मैंने लिया है, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट जो कि सर्कुलर पाथ पर मैं देख रहा हूँ, और ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियल रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ आपको दिखेगा। अगर मैं निकालना चाहूँ कि वेलोसिटी इस पी डायरेक्शन में क्या होगी, जो कि एंगल थीटा एंगल पर है, तो जैसा कि हमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ गिवन है, तो यहाँ पर पी पॉइंट पर वेलोसिटी मेरी हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वेलोसिटी हमारे को यहाँ पर गिवन हो जाएगी पर्टिकुलर पी पॉइंट की। फिर कुछ आफ्टर स्मॉल इंटरवल dt, अगर हम बात करें कि पोजीशन ऑफ p जो था वो अब पोजीशन ऑफ q बन गया है, जैसा कि स्मॉल एंगल जो चेंज हुआ है वो t थीटा हुआ है यहाँ पर, और की q पर अगर मैं वेलोसिटी देखूँ तो q पर हमारी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी जो क्यू पॉइंट पर है और जो कि डी थीटा डिस्टेंस हमारा जो चेंज हो गया, एंगुलर डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो गया, और इसके अगर मैं कंपोनेंट देखना चाहूँ तो इन दोनों डायरेक्शन में, जैसे वी प्लस डी पी का कंपोनेंट अगर मैं देखना चाह रहा हूँ और ये कंपोनेंट में टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हो जाएगा इसका v प्लस डी वी कॉस डी थीटा, और वहीं पर इसका कंपोनेंट इस रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा v प्लस डी वी साइन डी थीटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको दो वेलोसिटी दिखेंगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। पहला तो ये वेलोसिटी दिख रही है v जो कि ओमेगा इंटू आर है, और दूसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी है v प्लस डी वी cos d theta, जो कि q पॉइंट की वेलोसिटी के कंपोनेंट इस p पॉइंट के टेंजेंशियल पॉइंट टेंजेंशियल लाइन के अलोंग हमने लिया है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी में चेंज आया है जिसके कारण से एसिलेशन आएगा। तो अगर ये कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती तो यहाँ पर एसिलेशन एक ही होता, और जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा v प्लस डी वी कॉस थीटा माइनस v, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। जैसा कि हमें सभी को पता है कि फॉर स्मॉल एंगल कॉस डी थीटा हमारा हो जाएगा लगभग 1 के बराबर, स्मॉल एंगल में हम कॉस थीटा को 1 के बराबर नहीं लेते, और ऐसा करने पर यहाँ आप देख रहे हैं v से v कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि cos t थीटा 1 हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी जो रिमेनिंग बचा वो हमारा dv के बराबर बचा, वेलोसिटी का चेंज जो हुआ डिफरेंशियल वेलोसिटी चेंज रहा। यानी वहीं पर मैं अगर टेंजेंशियल एसोलेशन की बात करूं तो टेंजेंशियल एसोलेशन मेरा हो जाएगा a t से रिप्रेजेंट करता हूं, a टेंजेंशियल एसोलेशन हो गया ये, तो टेंजेंशियल एसोलेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन हमारा dv है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें इसका डिफरेंशियल मैंने ले लिया d अपॉन dt इसको कर दिया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि v की वैल्यू में अगर ओमेगा इंटू आर इस इक्वेशन में रख देता हूँ तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, r इज कॉन्स्टेंट क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस चेंज नहीं हो रहा, ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट इस डिफरेंशियल से बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी ओमेगा अपॉन डी टी हमारा हो जाएगा अल्फा, अल्फा हमारा हो जाएगा यहाँ पर मैं अल्फा को एंगुलर एसोलेशन बोलूंगा, मैं एंगुलर एसोलेशन, वहीं पर हमारा ए टी हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल एसोलेशन हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया जो आपको याद होना चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एसोलेशन क्या होगा ये आपको याद रखना चाहिए, आर इंटू अल्फा होगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि अब हम निकालते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट v प्लस dv का है वो है v प्लस dv साइन d थीटा, और कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए
चेंज इन वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन हमारी हो जाएगी वी प्लस डी वी साइन डी थीटा. फॉर स्मॉल एंगल साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, एंगल के बराबर हो जाएगा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं. चेंज इन वेलोसिटी वहीं पर हम लिख सकते हैं, डी थीटा का मल्टीप्लाई मैंने इधर अंदर कर दिया है, तो वी इंटू डी थीटा प्लस डी वी इंटू डी थीटा ये हो जाएगा हमारा. और नेग्लेक्टिंग द स्मॉल प्रोडक्ट डी वी इंटू डी थीटा, इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं कि जो भी स्मॉल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो जो भी आउटपुट हमारा निकल के आएगा वो और ही स्मॉलर वैल्यू आएगी जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर इस वैल्यू को अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो ये हमारा रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी, हमारी चेंज इन वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन बचेगा हमारा वी इंटू डी थीटा. सिमिलरली रेडियल एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, ये आ जाएगा हमारा. यहाँ पर हम देखें वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी हम जैसा कि हम सभी जानते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के बराबर, ओमेगा के बराबर. तो इसको हमने इक्वेशन में रख दिया वी इक्वल्स टू आर ओमेगा. अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन और मिल जाएंगी. ओ वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो जैसे कि v की वैल्यू मैं इसमें r ओमेगा रख दूं तो ओमेगा स्क्वायर इनटू r हो जाएगा. वहीं पे ओमेगा की वैल्यू अगर v अपॉन r रख दूं तो ये v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा. ये दोनों एक्सेलरेशन हमारे आ गए टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन. तो रेडियल एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला याद रखना है ओमेगा इनटू स्क्वायर इनटू r. वहीं पर इसकी समरी देख लेते हैं. जैसा कि सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में आपको दो एक्सेलरेशन दिखेंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखेगा और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन दिखेगा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये निकल के आएगा हमारा आर इंटू अल्फा. और वहीं पर रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारा निकल के आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू आर. तो ये दो फॉर्मूले एक्सेलरेशन एनालिसिस जब भी हम न्यूमेरिकल गेट का कोई भी करेंगे तो ये दो फॉर्मूले हमारे को याद होना चाहिए, और इस कंसेप्ट को भी हमारे को याद होना चाहिए. और इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होता है. थैंक यू. इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन इसके जरूर दबाएं, जिससे कि मैं सारे नए वीडियोज इसमें डालता रहूँगा और ये आपको टाइमली मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.